बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम मरियम शबीर और हम हाज़िर हैं प्रोग्राम हम और हमारा माहौल में। नाज़रीन, काफ़ी ज़्यादा क्लाइमेट चेंज और एनवायरनमेंट से रिलेटेड डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आजकल आपको पता चल रहा होगा कि US में क्लाइमेट चेंज समिट होने जा रहा है मिड अप्रैल के बाद, दो दिन के लिए है तो वर्चुअल ऑनलाइन है, जिसमें 40 से ज़्यादा ममालिक को इन्वाइट किया गया है, लेकिन पाकिस्तान को सैडली उसमें इन्वाइट नहीं किया गया। इसके अलावा हीट वेव्स आने वाली हैं, आजकल हवा में नमी का तनासब कम था, इस्लामाबाद में तो एक दो दिन से बारिश होगी तो सेटल हो गया। इसी तरह के और भी वेस्ट रिलेटेड भी इश्यूज़ हैं, इन सब पे बात करने के लिए कलेक्टिवली हमारे साथ आज मौजूद हैं जरताज गुल साहिबा, जो कि आप सबको पता है कि स्टेट मिनिस्टर हैं क्लाइमेट चेंज की। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए जरताज साहिबा। जैसा कि मैंने अभी बताया अभी कि पाकिस्तान को अमेरिका ने इन्वाइट नहीं किया समिट में, तो आप इसको कैसे देखती हैं, इस पर आपके क्या तासुरात हैं कि कहाँ हमने लैग किया जिसकी वजह से हमें इग्नोर किया गया? अच्छा मरियम, लैग तो हमने कहीं पर भी नहीं किया। जो पाकिस्तान के एफ़र्ट्स हैं, मतलब अंडर डेवलप्ड कंट्री, और पाकिस्तान की तारीख में कभी इतना ज़्यादा काम मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज ने या फिर जो हमारे ग्रीन इनिशिएटिव्स हैं, और ये तो मेगा प्रोजेक्ट है, 10 बिलियन टू सुनामी, क्लीन ग्रीन पाकिस्तान, ई व्हीकल पॉलिसी, रिचार्ज पाकिस्तान, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, प्लास्टिक बैग्स बैन, इकोसिस्टम रेस्टोरेशन और नेशनल पार्क का इनिशिएटिव्स, वो तो मेगा प्रोजेक्ट हैं जिसकी वजह से हमारी बहुत दुनिया में भी और पाकिस्तान में पजीराई हुई है। लैग तो मैं कहीं भी नहीं कहूँ कि हमारी कोई कोताही है, लेकिन अगर इसका आपने मुझसे कोई एविडेंस वाला आर्ग्यूमेंट लेना तो वो तो वही है जो कि इस्टेब्लिश्ड है कि इसमें दुनिया में सबसे ज़्यादा इमिटर्स थे। वी आर नॉट वन ऑफ द इमिटर्स, हमारा तो 1% से भी कम वो है रेशो है ग्लोबल वार्मिंग में, इसमें सारे वो ममालिक थे। दूसरी तरफ वो थे जो बहुत पोवरेस्ट कंट्री है, वी आर नॉट द पोवरेस्ट कंट्री, तो द मोस्ट एमिटर द मोस्ट पोवरेस्ट, तो उनमें हम फॉल नहीं करते। लेकिन मैं समझती हूँ कि कोई भी आर्ग्यूमेंट जो है ना, अभी दुनिया में जिस तरह की पॉलिटिक्स डायनेमिक्स चेंज हो रही है, हर चीज़ का जो आंसर है मैं समझती हूँ कि वो पोलिटिकली बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि हर पॉलिसी पोलिटिसाइज है, हर चीज़ पॉलिटिक्स के ज़रिए आप सेटल करते हैं। मैं ये समझती हूँ कि हमें यूँ चाहिए कि फॉर एग्ज़ाम्पल जब आपके पाकिस्तान की स्ट्रेटिजिक पोजीशन ऐसी है कि आप यूजली जो आपके कश्मीर पे इश्यूज आते हैं इंडिया के साथ, अपने बॉर्डर्स पे जो इशू आते हैं, हर मुल्क जो है जिसके भी इशू आते हैं वो क्या करते हैं कि फॉरेन ऑफिस जो तमाम एम्बेसडर्स होते हैं उनको ब्रीफिंग करवाता है, उनको बताता है। मैं समझती हूँ कि देखें, ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज, जिसमें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान सबसे ज़्यादा दुनिया में टॉप 5 लीडर्स में आते हैं, जो खुद बात करते हैं और उनका विजन है, वो समझते हैं क्लाइमेट चेंज को, और उनको ये भी बताया और कि हमें पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा वल्नरेबल या थ्रेटन्ड है हम लोग क्लाइमेट चेंज से। तो मैं समझती हूँ कि अब हमें अपनी इन चीज़ों को भी इस तरह हमें अपने फॉरेन पॉलिसी के अंदर और हमें अपने डायलॉग के अंदर इस चीज़ को डालना चाहिए कि हम अपने तमाम इसी तरीके से जितने भी हमारे डिप्लोमेट्स कम्युनिटी है, एम्बेसडर्स कम्युनिटी है, हम उसको उनको बुलाएं, उनको ब्रीफिंग दें, हमें साथ बिठाएं फॉरेन पॉलिसी के प्लेटफॉर्म पे। हमारे जो फॉरेन ऑफिस बहुत अच्छा काम कर रहा है, जिस तरह पाकिस्तान की, अब तो पाकिस्तान का डू मोर के बजाय और या टेररिस्ट स्टेट के बजाय अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तो एक सालिस का किरदार आया है और दुनिया हमें बड़ी अच्छी नज़रों से अब देखती है एक स्ट्रांग पॉलिसी की वजह से। अब हमारी पॉलिसी कोई और नहीं, हम खुद ही बनाते हैं। तो उसमें मैं समझती हूँ कि हमें ये एजेंडा भी शामिल कर लेना चाहिए कि हम फॉरेन डिप्लोमेट्स को और उनको ऑन बोर्ड लें, उसका हमें दो फायदे होंगे। एक तो हमारी एक्नॉलेजमेंट्स जाएगी कि जो हमने काम किया, दूसरा ये कि जारी बात है पाकिस्तान डेवलप कंट्री है, पाकिस्तान इतने बड़े इशू को खुद तो हैंडल नहीं कर सकता है, हमें फंड्स चाहिए, हमें डोनेशन चाहिए, हमें मदद चाहिए, हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र चाहिए। उसकी वजह से भी तो मैं समझती हूँ कि हमें उनको ऑनबोर्ड करना चाहिए, हमें उनको बुलाना चाहिए, हमें उनको बताना चाहिए, बिकॉज जो प्राइम मिनिस्टर अपने हिस्से का किरदार अदा कर रहे हैं वो तो हद से ज़्यादा है, लेकिन हमारी भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, मिनिस्ट्री की भी और हमारे जो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ का आपस में जो अच्छा एक पार्टनरशिप होनी चाहिए। फूड के अंदर हमारा किरदार है, फूड एग्रीकल्चर में हमारा किरदार है, फूड सिक्योरिटीज़ एग्रीकल्चर में, फिर इसी तरीके से इवन सी पैक में, कंस्ट्रक्शन में, अर्बन प्लानिंग में, हर चीज़ में अब हमारा किरदार है। तो हमें जो फॉरेन फंडिंग या फॉरेन जो हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र चाहिए, हमें उसमें फॉरेन डेस्क को इस्तेमाल करना चाहिए। तो आई थिंक ये वो हुआ है। वैसे मेरे लिए खुद हैरत का है, ये मेरा ख्याल में कि पाकिस्तान से लर्न करने के लिए और पाकिस्तान को एज ए गुड एग्जांपल के लिए पाकिस्तान को इनवाइट करना चाहिए था उनको।
डिप्लोमेटिक टाइज की आपने बात की तो दैट लीड अस टू वन ऑफ द लेटर विच प्राइम मिनिस्टर हैज सेंट टू सऊदी अरेबिया जब उनने अनाउंस किया कि हम जो है उसको एक ग्रीन विजन ला रहे हैं सऊदी गवर्नमेंट और प्लांटेशन ड्राइव एक कर रहे होंगे तो जैसा कि आपने बताया कि हमने 10 बिलियन ट्री सुनामी के अंडर काफ़ी प्लांटेशन कर रहे हैं केपी में इससे पहले भी पीटीआई ने प्लांटेशन की जो काफ़ी सक्सेसफुल रही तो उस पर एक तो हम क्या हेल्प आउट कर सकते हैं सऊदी गवर्नमेंट की और सेकेंडली जो हमने ख़त लिखा है उस पर कोई अपडेट अगर आपके पास है व्यूअर्स के साथ शेयर करने के लिए तो हम बड़े इंटरेस्टेड होंगे जानने के खत के ऊपर तो बहुत पॉजिटिव अपडेट्स आई हैं और मैं समझती हूँ ये दोनों साइड से बहुत अच्छी स्टोरी है कि जारी बात है हमारा जो हम लोगों ने जो बिलियन ट्री सुनामी का केपी में जो हम लोगों ने ग्रीन विजन केपी का देखा था जारी बात है वो भी सैलाब से बहुत मुतासर जोन्स में और उनका जो साउथ केपी है वो भी साउथ पंजाब की तरह वहाँ पे भी बहुत सारे इश्यूज आते हैं क्लाइमेटिक उसके और हमारी तो जो बनों को हार्ट वाली साइड है वो तो सिवाय चने की फसल के तो और कोई चीज़ उगती भी नहीं है ग्रीनरी उस तरह नहीं है तो अभी उन्होंने जो ये 10 बिलियन ट्री सुनामी का था वो तो बॉन चैलेंज ने भी उसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने और बहुत इंटरनेशनल कम्युनिटी उसको पजीराई दी हमने बॉन चैलेंज को सरपास किया तो उसमें हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है और अब हम 10 बिलियन ट्री सुनामी में तमाम सूबों के साथ मिलकर ये करें तो वहाँ पर मैं समझती हूँ कि सऊदी अरेबिया के इसको रियलाइज़ करना रिकोगनाइज़ करना कि देखिए किसी ज़माने में जब लोग उमरा करने जाते थे तो सिवाय काले पहाड़ के और ब्राउन ग्रास के कुछ चीज़ भी नज़र नहीं आते थे मैं खुद 2010 में उमरा करने गई थी और कुछ बेर के दरख्त है जिसके ऊपर या नीम के दरख्त है जिसके ऊपर पाकिस्तान ट्री लिखा हुआ होता था यानी वो पाकिस्तानी गिफ्ट उनको किए थे तो वही उग सकते थे तो इसका मतलब ये कि और अभी आपको 3 महीने पहले मेरा ख्याल 3 महीने पहले की बात है आपने भी वो न्यूज़ सुनी होगी पढ़ी होगी ब्रेकिंग न्यूज़ थी कि सऊदी अरब में बर्फबारी हुई है सो इट मीन्स क्लाइमेटिक जोन्स चेंज हो रहे हैं तो जब जहाँ पे पानी वाफर मकदार में आना शुरू हो जाए वैसे मदीना की डायनेमिक्स बहुत डिफरेंट है वहाँ पे बहुत खूबसूरत हवा चलती है और ग्रीनरी है वहाँ पे तो ताइफ में भी तो वहाँ पे अगर उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि हम अपने मुल्क को 10 अरब दरख्त लगाने चाहिए और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को वो अप्रिशिएट करते हैं वो फॉलो करना चाहते हैं और उसके अब दो वो है एक तो ये कि उनका रिस्पॉन्स बहुत बेटर है और पाकिस्तान इज़ रेडी प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनसे बात भी की है अभी एक बड़ा डिटेल एमओयू साइन होने जा रहा है और उसमें बहुत सारी चीज़ें जिसमें हम किस तरह उनकी मदद कर सकते हैं हम किस तरह दोनों बड़े मुल्क जो हैं एक प्लेटफॉर्म पे बैठ के क्लाइमेट चेंज को टैकल और जो हमें हम जो थ्रेटन्ड है उसको किस तरीके से आगे लेकर जा सकते हैं और जो हमारे एक्सपीरियंस है आपको पता हमने फ्रूट ट्रीज लगाई हम उस पर नर्सेज हमने डेवलप किया हमें तो इतना बड़ा चैलेंज था 10 बिलियन उससे नाम है तो नर्सरीज ही कोई नहीं थी साल डेढ़ साल तो हमें नर्सरीज डेवलप करने में लग गया तो अभी प्रॉपर एक एमओयू बड़ा डिटेल साइन होने जा रहा है जिसमें सऊदी अरब और पाकिस्तान दोनों मिलकर अब उसी खत के आगे 10 बिलियन पे काम करेंगे आई थिंक ये बड़ा ही ज़बरदस्त प्रोग्रेस है उससे आगे एक और चीज़ जो लेटेस्ट रिपोर्ट सामने आई है MIT की जिसमें उनने 70 से ज़्यादा ममालिक को इकोनॉमीज़ को रीड किया है कि वो किस तरह से फ्यूचर में परफॉर्म कर रहे होंगे ग्रीन इंडेक्स की अगर हम बात करें तो उसमें पाकिस्तान उन 16 ममालिक में आता है जो कि अंडर परफॉर्मिंग कंट्री हैं तो इसको आप किस तरह से देख रही हैं देखिए अमरिया मैं तो फिर वही बात करूंगी मैं जब भी कोई इस तरह पाकिस्तान के बारे में बात करता है ना आपको पता है मैं हमेशा मीडिया का पंचिंग बैग बन जाती हूँ क्योंकि यहाँ ये कि भेड़ चाल है कि अगर एक आपको गलत कह रहा है तो फिर सारी गलत कह रहे हैं कोई डिटेल्स में चीज़ें नहीं पड़ता है मैं जब उस वक्त स्मोक पे बात कर रही होती थी और हालांकि वो एक सूबाई सब्जेक्ट था लेकिन चूंकि वहाँ के मिनिस्टर सामने नहीं आते थे और वो समझते थे शायद मैंने ही सारे आंसर करने हैं तो तब भी मैं उस वक्त यही कहा करती थी कि हमें बॉर्डर से भी हमें इश्यूज़ हैं हरियाणा से दिल्ली से हमें बहुत सारे इश्यूज़ हैं हमारी अपनी भी बहुत खैर कारनामे कोई अच्छे नहीं थे हम लोग भी बहुत ज़्यादा लाहौर के अंदर पोल्यूशन है और इंडस्ट्रीज़ की भी और भट्टे शुक्र अब हमने ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर तकरीबन 78% जो है वो उसका ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पे हम लोग ट्रांसफ़र हो गए हैं वो भी हमारी दौरे हुकूमत का और प्राइम मिनिस्टर का बहुत बड़ा इनिशिएटिव है कि हमने तकरीबन इंशाल्लाह तमाम ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पे इनको चेंज कर देंगे भट्टों को तो उस वक्त भी जब मैं कहा करती थी तो सारी दुनिया मेरे खिलाफ बोलती थी क्योंकि मैं ये स्टेटमेंट नहीं देख सकती हूँ कि लाहौर दुनिया के गंदे तरीन शहरों में या कराची दुनिया के गंदज़दा शहरों में क्योंकि आपकी जो असेसमेंट होनी चाहिए ना वो मंथली नहीं होनी चाहिए ये तो सीजन्स के ऊपर डिपेंड करती है जैसे दिल्ली है कितने सालों से प्रोलॉन्ग्ड उसके अंदर आ रहा है कि वहाँ पे आलूदगी है तो आप उसको तो फिट कर सकते हैं लेकिन लाहौर में
अगर एक महीने के अंदर स्मॉग और फॉग मिल जाए और आप लाहौर को दुनिया के गंदे तरीन शहरों में कर दें, मेरे ख्याल में ज़्यादती है। अब यही है कि पाकिस्तान, जो मैंने आपको पहले बताया कि पाकिस्तान को अगर आप देखें, पाकिस्तान के अगर आप इस वक्त हमारी गवर्नमेंट की टॉप प्रायोरिटी देखें तो एहसास प्रोग्राम के बाद मुझे जो टॉप प्रायोरिटी नज़र आती है तो वो तो क्लाइमेट चेंज है। और 127 बिलियन का तो सिर्फ और सिर्फ हम लोगों ने अपनी गवर्नमेंट के पैसों से, हम लोग और जिसके 6-7 अरब हमें हर साल मिल रहे हैं उसके लिए हम देते हैं 10 बिलियन की सुनामी के लिए। ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है ग्रीन इनिशिएटिव्स के लिए। हालांकि देखिए, हमारी अर्जेंसी तो पुलिसिंग होनी चाहिए, हमारी अर्जेंसी तो हेल्थ होती है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप देखें तो पिछले साल 57% के साथ टॉप पे जो मिनिस्ट्री थी परफॉर्मिंग पे, वो हमारी थी क्योंकि हम फॉरन एड्रेस करते हैं। क्लीन ग्रीन पाकिस्तान को आप देख लें तो ई व्हीकल पॉलिसी, रिचार्ज पाकिस्तान, प्लास्टिक बैग्स बैन, तो हमारे इनिशिएटिव तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और यूएन और हर कोई हमें एक्नॉलेज करता है। तो मैं समझती हूँ कि अगर कोई एक यूनिवर्सिटी, और वो भी अच्छी यूनिवर्सिटी जो अच्छी रैंकिंग के अंदर हो, वो बैठ के पाकिस्तान के बारे में इस तरह की बात करे, तो हमने उसका जो रिबटल है या उसका आंसर है हमने उनको इन राइटिंग दिया है, हमने उनको लिखा है कि आपकी जो स्टेटमेंट्स है वो ठीक नहीं है, क्योंकि हमें तो, हमने तो ये जो मैंने आपको बताएं इस तरह के इनिशिएटिव्स नहीं है। द बेस्ट पॉइंट इज़ कि उन्होंने हमारी बात को एक्नॉलेज किया है और उन्होंने हमसे ये कहा है कि हम अपनी जो स्टेटमेंट्स है उसको रिविज़िट करेंगे। क्योंकि देखें, अगर आप एक दुनिया के एक कोने में बैठ के हमें असेस कर लें तो हमें आपका मॉडल तो पता होना चाहिए ना कि आपने किस चीज़ पर हमें असेस किया, जबकि हमारे पोर्टफोलियो पर तो इतनी बड़ी चीज़ें हैं। That's right. बल्कि मैं तो कहती हूँ ना, देखिए ना मरियम, हमारे वो पॉजिटिव चीज़ों को ज़्यादा बयान करना चाहिए, उसमें सबको हमारा साथ देना चाहिए, क्योंकि फिर हम उसके बारे में क्यों नहीं बात करते कि पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक में जो जिसको रोल मॉडल कहा जाता है 10 बिलियन की सुनामी में या प्लास्टिक बैग्स बैन में इस्लामाबाद में, पाकिस्तान के बारे में ये कहा जाता है कि पाकिस्तान जो है, जैसे अब हम वो 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को हम लोग होस्ट कर रहे हैं तो उसके वजह हमारी कोई अचीवमेंट्स हैं, हम उसको हाईलाइट करें, या फिर ये कि बॉन चैलेंज को हमने सरपास कर दिया, हमने बॉन चैलेंज को सुबह में कभी किसी मुल्क ने, मुल्क करते हैं सुबह ने कभी सरपास नहीं किया, लेकिन हमने बॉन चैलेंज को सरपास किया केपी का, कि हमने 1 अरब से ज़्यादा ही दरख्त लगा दिए। तो हमें उस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए, हम ये अप्रिशिएट करना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान दुनिया के टॉप 5 लीडर्स में से आते हैं जो क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करते हैं, एड्रेस करते हैं। तो वो पॉजिटिव चीज़ के बजाय हम उस चीज़ को हाईलाइट करते हैं जो कहीं पर एक दुनिया में कोने में बैठ के कि जी हमें अमेरिका ने क्यों नहीं बुलाया या MIT ने हमारे बारे में क्या रिपोर्ट की, तो वो जो पॉजिटिव रिपोर्ट्स हैं उसके बारे में भी बात करनी चाहिए। पॉजिटिव रिपोर्ट्स तो काफ़ी सारी पाकिस्तान के पास जो है वो शेयर करने के लिए हैं, लेकिन मेरे पास एक और नेगेटिव रिपोर्ट से रिलेटेड सवाल है आपके लिए। रिसेंटली आपने भी फॉलो किया होगा कि मुल्तान में एक हाउसिंग स्कीम चल रही है जिसमें बहुत ज़्यादा आम के दरख्त काटे गए, चूँकि ये चल तो 2013 से रहा था लेकिन मैसिव स्केल पर कटिंग जो है वो पिछले कुछ अर्से से चल रही है, तो इस पर आपकी गवर्नमेंट क्या कोई एक्शन लेगी या इस पे क्या आपके व्यूज नहीं हैं? देखिए, एक तो ये ना कि गवर्नमेंट का एक स्टेट लैंड होती है और एक प्रॉपर जो हम लोगों ने महकमा जंगलात के पास ज़मीन होती है, वो तो पिछली हुकूमतों में सारे जंगलात काट के कब्ज़ा माफिया ने, टिम्बर माफिया ने मिलके सारे जंगलात की ज़मीनों पे कब्ज़े कर दिए। हमारी दौर हुकूमत में पहली दफ़ा हुआ है कि हमने कब्ज़ा माफिया से वो छुड़वा के वापस हम लोगों ने उसको रिट्रीव करना शुरू किया। उसकी एग्जाम्पल आपको मियांवाली में मिलेगी, उसकी एग्जाम्पल आपको वहाँ पे मिलेगी, ननकाना साहब में आपको मिलेगी, जब वहाँ पे हमने दोबारा से ज़मीन को, लैंड को डी इनक्रोच करवा के और हम लोगों ने वहाँ पे प्लांटेशन शुरू कर दी। ये जो तो गवर्नमेंट की जो स्टेट लैंड है, जो रिजर्व्ड है प्लांटेशन के लिए, ग्रीन बेल्ट्स के लिए, उसको तो हम हाथ भी नहीं लगाने देते, उल्टा हम वहाँ से कब्ज़ा माफिया से छुड़वा के वापस उनको, प्राइम मिनिस्टर का तो विजन ही है, वो कहते हैं शहरों के अंदर भी जिसने एक प्लॉट के ऊपर भी कब्ज़ा किया उसको गिरा के उसके ऊपर मियांवाली फॉरेस्ट लगा दो, तो वो तो हमारा इतना अच्छा है। जहाँ तक मुल्तान की बात की, देखिए, एक प्राइवेट लोगों ने अपनी ज़मीन एक प्राइवेट उसको बेच दी, अथॉरिटी को बेच दी, ज़ाहिर बात है उसमें हमारा लेना देना कोई नहीं था। और दूसरी बात ये कि पिछली हुकूमतों ने किया था, इसके बावजूद भी मैंने 2 बिल मैंने टेबल किए थे जब जैसे ही मैं मिनिस्टर बनी, वो अभी तक मिनिस्ट्रियों के अंदर घूम रहे हैं। और मैंने यही कहा था कि एक तो ये कि मैंने वैसे जो उसकी हिस्ट्री पढ़ी, मैंने उसमें ये पढ़ा कि ये जो मुल्तान का 20 साल का मास्टर प्लान पढ़ा था उसमें ये ग्रीन जोन में था, ये ग्रीन बेल्ट में था, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती थी, लेकिन चूंकि ये प्राइवेट लोगों ने प्राइवेट उसको कि किसने इसका NOC दिया, कहाँ से उन्होंने NOC लिया भी या नहीं लिया, और ये इतने साल से वहाँ पे इतने आमों के दरख्त काट दिए गए,
तो मेरी जो इन्फॉर्मेशन है, मैंने वहाँ के कमिश्नर को भी फ़ोन किया, मैंने DGEPA को भी फ़ोन किया, मैंने फॉरेस्ट सेक्रेटरी को भी फ़ोन किया, मैंने सबको अलर्ट किया कि ये तो दिस इज़ टू मच कि हम इतने अरब दरख्त लगाने जा रहे हैं और इस तरह के दरख्तों के, और वो भी फ्रूट ट्रीज की कटिंग होने जा रही है, जबकि हमने अपने 10 बिलियन सुनामी में अब हमने लेटेस्ट 10% हमने फ्रूट ट्रीज कर दिए, ऑलिव की हमने प्लांटेशन स्टार्ट कर दी है, हम लोगों ने उसके अंदर बेर के दरख्त जो हमारा शहद बहुत ज़्यादा बनना शुरू हो गया वो हमने लगाने शुरू कर दिए, और प्राइम मिनिस्टर तो आगे कहते हैं कि एवोकाडो वगैरह भी इसके अंदर हम लगाने शुरू कर दें। तो उसमें मैंने कहा ये मेरी समझ से बालातर है। अब जारी बात है, एक खुद ही एक अथॉरिटी है जिन्होंने शायद कमिश्नर से पिछले उससे नहीं पूछा, इसके बावजूद भी मैंने सबको कॉल किए, मैंने कहा कोई लीगल चीज़ निकलती उसमें तो मुझे इन्फॉर्म करें ताकि सो वी कैन टेक एक्शन। लेकिन मरियम, मैंने अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी चीज़ों में ऐसे देखा है कि बहुत सारी चीज़ों में हम लोग इसलिए थोड़ा हमें डिले आ जाता है चीज़ों में, हालांकि हमने यहीं से बैठ के ये जो कलर का हार पे आप यहाँ से इस्लामाबाद से जाते हैं तो राइट साइड पे ये जो कटाव हो रहा था दरख्तों का, वो हमने प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करके हमने खुद यहाँ से रुकवाया उसको, और इसमें कोर्ट का भी बड़ा अच्छा किरदार है कि ये क्या क्या पहाड़ काटने जा रहे हैं। तो मैं तो कहती हूँ जिधर इस तरह की नेचुरल हो वहाँ एक तो ये कि कंस्ट्रक्शन की बिल्कुल इजाज़त न दी जाए, और जहाँ पे ग्रीन बेल्ट्स हों इस तरह के दरख्त तो एक भी दरख्त कटे नहीं जाए, बल्कि 5 साल के लिए तो हमें दरख्त के काटे पे वैसी पाबंदी लगा देनी चाहिए जब तक कि यानी हमारी दौरे हुकूमत है। तो मैं तो कहती थी क्लाइमेट इमरजेंसी भी पार्शियली लगा दें, वाटर कंजर्वेशन भी हमें करनी चाहिए। तो हम वहाँ से बहुत सारी जगहों पर हमारे पास पॉलिसी का या पॉलिसी हम बना लेते हैं फेडरल गवर्नमेंट, क्योंकि यहाँ प्राइम मिनिस्टर साहब बैठे हुए हैं जिनका विजन ही सारा ग्रीन विजन है। हमारे लिए इशू सुबह से इसलिए आ जाता है कि फॉरेस्ट का अपना मिनिस्टर मौजूद है, एनवायरनमेंट का अपना मिनिस्टर मौजूद है, डिपार्टमेंट्स खुद मौजूद हैं। हम जो एज इट इज़ फॉर एग्जांपल SRO जारी करते हैं, हमने कहा जी प्लास्टिक बैग्स बैन हो, इसको एज इट इज़ आप अप्लाई कर दें सुबह के अंदर, वहाँ से भी आप पॉलीथीन को ख़त्म कर दें, लेकिन उनके अपने रिकॉर्ड्स होते हैं, उनके अपने डायनामिक्स होते हैं, वो अपनी पॉलिसीज पे उस तरीके से, तो वो जितना फेडरल गवर्नमेंट तेज करना चाहती है काम को वो सुबह उस तरह नहीं करना चाहते हैं, दे शुड डू इट। बिल्कुल सही आपने बताया, आई थिंक फेडरल और प्रोविंशियल लेवल पे जाके फिर अपनी लिमिट्स और अपने चैलेंजेस होते हैं। देखना ये है कि हमें जो है वो फ्यूचर में जो डिफॉरेस्टेशन रेट हमारा बढ़ता जा रहा है ना सिर्फ मुल्तान में बल्कि और भी काफ़ी सारी जगहों पे, वो सिविल सोसाइटी और मीडिया के प्रेशर के साथ जो है वो कम होगा या नहीं। बहुत शुक्रिया हमारे टाइम देने के लिए। अगले प्रोग्राम में एक नए टॉपिक और नए मेहमान के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।